हेलो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आपसे सहमत हूँ। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे के सारे डेली यूज सेंटेंसेस हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आपसे सहमत हूँ। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जब हम किसी की बात से सहमत होते हैं, हम किसी की बात को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, सेंस देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ, इसको इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, आई एग्री। आई एग्री, आपसे सहमत, ठीक है? तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना। आई एग्री यानी मैं सहमत हूँ आपसे, यानी आपकी बात के साथ या आपके साथ। तो इसको हम विद यू करके लिख देंगे, ठीक है? आई एग्री विद यू, इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है? हमें यानी हमको, तो हमें की इंग्लिश सब्जेक्ट में लिखी जाएगी वी, ठीक है? और ज़रूरत होने को इंग्लिश में बोलते हैं नीड। वी नीड यानी हमें ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है आपकी मदद की। तो आपकी के लिए इंग्लिश आता है ऐसी जगह योर, और मदद को, इस सहायता को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, ठीक है? इस टाइप से तो सेंटेंस हुआ हमारा, वी नीड योर हेल्प, यानी हम ज़रूरत रखते हैं तुम्हारी मदद की, आपकी मदद की, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। नंबर थ्री पर हमारा सेंटेंस है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है, इस टाइप से ये बात है, ठीक है? मेरा यकीन है, पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे आई, यकीन को, विश्वास को इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव। आई बिलीव, मेरा विश्वास है। अब इस वाले की, जब इस तरह से की आता है बीच में तो हम ऐसी जगह दैट का यूज़ करते हैं। आई बिलीव दैट यानी मेरा यकीन है कि ईश्वर है, तो यहाँ पर आप गॉड लिख देंगे, गॉड, और होने को हम यहाँ पर बोलेंगे एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट्स, ठीक है? इसमें वर्ब भी हम लगाएंगे, यानी वर्ब जो इस एस वाला आएगा, क्योंकि एग्जिस्ट्स, क्योंकि हमारा जो ये गॉड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके? प्रेजेंट इनडेफिनेट वाले सेंटेंसेज हैं ये, सेंस देखना है, सेंस निकलना है। मुझे उम्मीद है, या मुझे आशा है, या मैं उम्मीद रखता हूँ, तीनों बातें एक ही हैं। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मुझे, ठीक है? तो सब्जेक्ट में जब मुझे आएगा, वैसे तो मुझे की इंग्लिश मी होती है, लेकिन सब्जेक्ट में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई, ठीक है? और उम्मीद होने को, आशा होने को बोलते हैं हम होप, आई होप, ठीक है? ये सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बस इतना छोटा सा ही सेंटेंस है, उसे उम्मीद है या वह आशा रखता है, ठीक है? या वह उम्मीद रखता है। तो यहाँ पर हमने इसको लड़का माना, उसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए सब्जेक्ट में ही, और होप की जगह हम लिखेंगे होप्स, क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो रूल होता है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस वाली वर्ब तब आती है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है, ओके? अगला हमारा सेंटेंस है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, यानी कम है उसके अंदर आत्मविश्वास, ठीक है? तो उसमें, अब इसको लड़का मानेंगे तो ही से शुरू करेंगे, लड़की मानेंगे तो शी से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए ये लड़का है, किसी लड़के के लिए ये बात की जा रही है, तो इसको बनाएंगे ही, और कमी होने को, अभाव होने को इंग्लिश में बोलते हैं लैक, और उसमें क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म बना करके लिख रहे हैं तो ही लैक्स हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस वाली वर्ब का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही लैक्स, और आत्मविश्वास को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके? ये हो गया हमारा, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इसी बात को किसी लड़के के लिए, लड़की के लिए बोला जाएगा तो ही की जगह हम शी लिख देंगे, ठीक है? नंबर सेवन पर सेंटेंस है, यह सब आप पर निर्भर है,
यह सब आप पर निर्भर करता है, इस टाइप से। तो यह सब पहले इसकी इंग्लिश आएगी दिस, दिस यानी यह, सब का मतलब ऑल, दिस ऑल निर्भर है। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे डिपेंड्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, तो दिस ऑल डिपेंड्स आप पर, ऑन यू ये हो जाएगा, यानी तुम पर मतलब आप पर, एक ही बात है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू ये हो जाएगा। वह निश्चित ही तारीफ का पात्र है, तारीफ के लायक है, लड़का है। ही से शुरू करेंगे सेंटेंस को, ही, और निश्चित ही इसकी इंग्लिश होती है सर्टेनली, 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 यानी वह निश्चित ही तारीफ का पात्र है। तो पात्र है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्व, और देखिए इसमें एस लगाएंगे, डिजर्व हो गया, और एस और लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सर्टेनली डिजर्व्स, और तारीफ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज, PRAISE, प्रेज। ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज, ओके, ये हो गया। यानी वह निश्चित ही तारीफ का पात्र है, वह निश्चित ही तारीफ के काबिल है, तारीफ के लायक है। उसे कुछ चाहिए या वह कुछ चाहता है, ठीक है, तो उसे या वह, सेंटेंस का सेंस देखिए, सब्जेक्ट में लिखेंगे ही, ठीक है, और अगर लड़की होगी तो लिखेंगे शी। कुछ चाहिए यानी चाहता है, तो चाहने की इंग्लिश होती है वांट, और इसमें लगाएंगे एस, ही वांट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग, ही वांट्स समथिंग, ये हो गया हमारा सेंटेंस, ओके। अब लास्ट सेंटेंस है, मुझे आपकी सलाह चाहिए या मैं आपकी सलाह चाहता हूँ, तो इसको लिखेंगे हम आई, और चाहने की इंग्लिश अभी बताई थी वांट, और आई के साथ वांट ही लिखा जाएगा। आई को प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं, आई के साथ ऐसी ई एस वाली वर्ब नहीं आती है। आई वांट आपकी सलाह, आपकी यानी योर, और सलाह मतलब एडवाइस, और यहाँ पे देखिए सी बनाना है, एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये सलाह की इंग्लिश ही है। अगर आपने एस बना दिया तो वो वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 सेंटेंसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं आपको दिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।